नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों का दर्द इतना बढ़ा हुआ है कि हर घर में घुटनों का पेशेंट है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि घर बैठे अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए, जैसी भी हो वैसी कर लीजिए। बड़ी सरल सरल एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। आज भी मैं सरल एक्सरसाइज के द्वारा योग क्लास ले रहा हूँ, उस योग क्लास का वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप भी हमारे साथ कर सकते हैं। और ये मेरे साथ कर रहे हैं ये भी करेंगे, और आप भी हमारे साथ कर सकते हैं। घुटनों के जो व्यायाम है वो एडी दर्द के लिए, पिंडलियों के लिए, थाई के लिए, पंजों के लिए, सभी के लिए जरूरी हैं। तो आप करेंगे तो घुटनों के दर्द में आपको आराम मिलेगा, और लगातार करते रहेंगे तो ठीक हो जाओगे। और भी सारी बातें हैं जो हर एक वीडियो में बताता हूँ, पर आज योग क्लास पैरों के लिए, घुटनों के लिए। तो आइए करें सभी, आप भी शुरू कर दो। पैर खोल लीजिए और पैर को अंदर लेके जाइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। अब पैर को मिला लीजिए। ये आप ऐसे भी कर सकते हो रिलैक्स होने के लिए, ज़रूरी नहीं कि बीस बार करें। पैर आपके अगर अकड़े हुए हैं ना, तो आप रिलैक्स होने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, इससे पैर रिलैक्स हो जाएंगे। अब पैरों को मिला के आराम से शुरू करेंगे। हाथों पे वजन दे लो, पंजे को आगे की ओर खींचो, खिंचाव के साथ। एक, पीछे की ओर दो, बिल्कुल आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दबाजी नहीं है। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। ये हम एक एक पैर से भी कर सकते हैं। एक पैर को आगे करें, एक पैर को पीछे करें, ऐसे खिंचाव के साथ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। अब पैरों को मिला लीजिए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे और पूरा राउंड घुमाएंगे ऐसे खिंचाव के साथ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। अब उंगलियों को मोड़ेंगे टाइट करके। एक, दबा के रखो उंगलियों को, मोड़ के रखो। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, जितना जोर लगा सको उतना जोर लगा दो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह,
16, 17, 18, 19, 20। नेक्स्ट, एक पैर मोड़ लो इंटरलॉक करके ऐसे, और ये पोजीशन ले लो। पहले ये पोजीशन रहेगी, पैर हवा में कर लो, पंजा अपनी ओर कर लो। अब पंजों को आगे तान लो, एक सीधा ताड़ो जहां तक जाता है पंजा आगे की ओर, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, इसको हम ज़्यादा करेंगे 40 बार, इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस। अब दूसरे पैर से कर लेंगे इसी प्रकार। पहली पोजीशन, पैर हवा में, पैर को मोड़ लीजिए, एक पैर को तान लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, दो आराम से नीचे, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस। रिलैक्स। अब फिर दूसरे पैर को उठा लीजिए वही पोजीशन, और अपनी ओर दबा लीजिए पैर को, जितना पास आए पैर ले आइए। अगर आप पैर सीधा रखोगे तो ऐसे ऐसे पैर घूमेगा, जितना पैर आप अपने पास लाओगे तो यहाँ से घूमेगा, ये जोड़ एक्टिवेट होगा। घुमाइए हैं, हाँ पैर को और पास ले आइए, जितना आ रहा उतना ले आइए आप, हाँ जितना आ रहा उतना ले आइए, ठीक है ना। और अब आराम से घुमाइए और ऊपर तक लेके जाइए, पैर का जितना बड़ा वृत्त बने ऐसे बनाइए, हाँ ऐसे पूरा वृत्त करके घुमाइए, ठीक है। करिए शुरू, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। और स्पीड भी यही रहे, ज़्यादा तेज भी स्पीड नहीं करनी है, आप भी देख लीजिए स्पीड है वो नॉर्मल ऐसी होनी चाहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज आराम से, एक दो। और एक बात और ध्यान दे लो, जो दर्द करे जो एक्सरसाइज उसको हम नहीं करेंगे। चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह
पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। इसी प्रकार दूसरे पैर से पहले पैर मोड़ लेंगे ऐसे और क्लॉकवाइज घुमाइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। अब एंटी क्लॉकवाइज। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। अब पैर को खड़ा करिए एक को और अपना हाथ नीचे दीजिए ऐसे, एक हाथ और ये दूसरा हाथ यहाँ लगा लो और दबाओ। एक, दो, तीन, चार, पंजी पैर हवा में रहेगा, पैर हवा में रहेगा, आपने तो ऐसे टिका लिया। हाँ, इसको दबाना है अपने को गैप ठीक करने के लिए, आप भी ऐसा ही कर लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ढीला छोड़ दो, फिर दबा लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, लूज। एक बार फिर करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, चेंज, दबा लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ढीला, फिर दबाओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, लूज, फिर दबाओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, लूज। नेक्स्ट, अब अपना पट्टा ले लीजिए। डेली मैं सभी को यही सिखाता हूँ, मेरी जो क्लास चलती है सुबह शाम, मेरे सेंटर पे सुबह शाम मैं क्लास चलाता हूँ, सभी को घुटनों के अभ्यास, पैरों के अभ्यास, कमर के अभ्यास, गर्दन के अभ्यास सिखाता हूँ। जब भी घुटनों की क्लास चलती है तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे देता हूँ ताकि आप भी हमारे साथ साथ कर लीजिए, ठीक है। मैं इनको सिखा रहा हूँ आपके लिए, आपके लिए भी बना देता हूँ, बीच बीच में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे कर लोगे, इसका मतलब आप भी मेरी क्लास में शामिल हो गए हैं। अब खींचिए, अब ध्यान दिए, ये घुटना नहीं ऊपर उठेगा, सभी सीख लीजिए। सिर्फ पंजा अपनी ओर मोड़ो और खींच के रखो, इतना खींचो कि दर्द ना हो। अब दस गिनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, चेंज करने हैं आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम ही टाइम है हमारे पास आराम से करने का। खींचिए पंजा अपनी ओर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, चेंज अपनी ओर खींचो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस,
जिस प्रकार मैं गिन रहा हूँ या मेरी गिनती से आप काम चला लीजिए, मैं कर रहा हूँ उतना ही कर लीजिए, वही बहुत है। अपनी गिनती मत करिए, जितने देर मैं करूँ उतनी देर कर लीजिए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, सारी मांसपेशियाँ खींच जाती हैं इससे, तभी तो करवा रहे हैं। पैरों की मजबूती के लिए, घुटनों की मजबूती के लिए, मसल्स कमजोर होना ही बीमारी का कारण है। करते रहिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, पांच पांच बार करना है दोनों पैरों से। खींचो अपनी ओर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, बदल बदल के फिर खींचो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। क्लास का मतलब पूरा योग करना, मेरे साथ करना, यही तो होते हैं योग क्लास, घुटनों की योग क्लास। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक बार और करेंगे। इतना करोगे तभी तो फायदा मिलेगा, कभी सोचो कि एक बार कर लिया बस गैल छुट गई, ऐसे नहीं करना, आपको कंटिन्यू करना है। खींचो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अगर किसी की मांसपेशियां ज़्यादा कमज़ोर हैं, इतना करने से भी दर्द होता है, तो कम कर लेंगे। जो बिल्कुल नहीं है, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो बात अलग है, वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारी योग क्लास है, जो मेरे सामने बैठे हैं कर रहे हैं, हमारी क्लास के सदस्य, उनको आदत पड़ी हुई है, और आपको आदत है तो आप भी कर सकते हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, बेल्ट वाली एक्सरसाइज पूरी हुई। और सभी को मैं फॉर्म वाली एक्सरसाइज कराता हूँ, अब फॉर्म रख लीजिए अपने पैर के नीचे, सभी रख लेंगे। ये पैर चाहो तो आप मोड़ सकते हो, ताकि पूरा फोकस इस पैर पे आ सके ऐसे, और दबाइए, पूरा दबा लीजिए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, इसी पैर से कर लेंगे पहले पूरा, फिर दूसरे पैर से कर लेंगे, फिर दबाइए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, लूज, फिर दबाइए, पांच बार करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, लूज, फिर दबाइए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, लूज, फिर दबाइए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक बार और। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये हम बदल बदल के भी कर सकते हैं, एक पैर से भी हम कर सकते हैं। अब दूसरे पैर से करेंगे, कोशिश करें फॉर्म जमीन पे टिक जाए, दबाइए ऐसे, पैर सीधा हो जाए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, लूज, फिर दबाओ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, लूज, फिर दबाइए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ
दस ल्यूज। फिर दबाइए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ल्यूज। आखिरी बार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। बीच में थक जाए तो आराम कर लिया करो, कई बुजुर्ग ज़्यादा हैं, 70+ के हैं, 60+ के हैं, वो आराम कर लें, ठीक है। आराम कैसे करेंगे, ऐसे हाथ रख के और लंबी गहरी सांस ले लेंगे, ऐसे बीच में आप आराम कर लेना। हमारी क्लास कंटिन्यू चलती है तो हम तो कंटिन्यू करेंगे। अब पाइप ले लीजिए, पहले हम एक एक पैर से करेंगे, फिर हम दोनों पैरों से करेंगे। बैठने की पोजीशन ये रहेगी, पीछे हाथ, दूसरा पैर हम चाहे तो मोड़ सकते हैं, चाहे तो ये पोजीशन ले लीजिए। अगर घुटनों के नीचे दर्द है तो थोड़ा ऊपर सरका लीजिए इसको, क्योंकि घुटनों के नीचे गांठ होती है ना, तो थोड़ा और ऊपर सरका लीजिए, घुटनों के थोड़ा और ऊपर, गांठ पे नहीं रखेंगे। अब इसको दबाएंगे नहीं, बस पैर को ऊपर उठा लेंगे और पंजा अपनी ओर मोड़िए, सभी खींच लिया। अब गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। डाउन आराम से, फिर ऊपर उठाइए, पंजा अपनी ओर खींचिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। डाउन पांच बार करेंगे ऐसे, फिर ऊपर उठाइए, पंजा अपनी ओर खींचिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। डाउन, फिर ऊपर उठाइए, पंजा अपनी ओर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। डाउन, बिल्कुल आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर ऊपर उठाइए, पंजा अपनी ओर खींचे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। डाउन एक बार फिर करें, अपनी ओर खींचो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। डाउन, अब दूसरे पैर से करेंगे इसी प्रकार। दूसरा पैर मोड़ सकते हैं आराम से, घुटनों के थोड़े ऊपर ले लीजिए, बिल्कुल नीचे नहीं, थोड़ा हाँ ऊपर की ओर होते हुए, हाँ घुटने के, ये घुटना के बीच में थोड़ा ऊपर की ओर ले लीजिए, सही है, ताकि पैर भी आराम से उठ जाए ऐसे, और पंजा अपनी ओर खींचो, हाँ सही है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। डाउन, फिर उठाइए आराम से, पंजा अपनी ओर खींचो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। डाउन, फिर उठाइए, पंजा अपनी ओर खींचिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। डाउन, फिर ऊपर उठाइए, पंजा अपनी ओर खींचिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। एक बार और करेंगे, फिर ऊपर उठाओ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। हमें पैरों को मजबूत करना है, ठीक है। अब फिर वापस आ जाइए पहले वाले पैर पे। अब दूसरे चरण में हम कंटिन्यू करेंगे, उठा लीजिए, अब आगे पीछे करेंगे। पहले अपनी ओर ले आइए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। डाउन, फिर उठाइए, अपनी ओर मोड़िए, एक
दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन, फिर उठाइए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन, फिर उठाइए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन। चार बार होगा ना, अब पांचवी बार और करेंगे, पांच बार करना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन। इसी प्रकार दूसरे पैर से घुटने के थोड़ा ऊपर ले लीजिए, आराम से पैर उठ जाए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन, फिर उठाइए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन, फिर उठाइए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन, ऊपर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन। हो गया पांच बार। अब इसको एक बार रिलैक्स कर लीजिए, पैरों को खिंचाव आ गया तो बीच बीच में ऐसे रिलैक्स कर लीजिए। ये दोनों पैरों से भी कर लेंगे हम, पूरे पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। पैरों के नीचे दर्द तो नहीं हो रहा बहन जी? हो रहा ना, तो आप मत करिए नहीं, बॉल से कर लीजिए। आपको तो नहीं हो रहा दर्द, आप तो पक गए करते करते। सही है, हाँ हाँ ऐसे भी करो, दोनों पैरों से करेंगे हम। हाँ ऐसे दोनों पैरों से करेंगे, ठीक है। ऐसे हाथ यहाँ रख लीजिए, ऊपर उठ गए, अब पंजा अपनी ओर मोड़ो। एक आपके दर्द हो रहा है तो थोड़ी ऊपर ले लीजिए, जंघाओं के नीचे ले लीजिए ऐसे। हाँ बिल्कुल, घुटनों के नीचे दर्द हो तो घुटनों के नीचे बिल्कुल ना लगा, यहाँ लगा लो। एक दो तीन चार, अब तो नहीं हो रहा दर्द? पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन, फिर ऊपर उठाइए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन। पैरों को मिला लीजिए, चाहे दूर दूर मत कीजिए, मिला लीजिए ऐसे, मिला के अपने ओर खींचो, एक ताकत बनी रहेगी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन, फिर उठाइए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन, फिर ऊपर उठाइए एक दो तीन चार पाँच
छ सात आठ नौ दस डाउन। अब कंटिन्यू वाली करेंगे, पांच बार ऊपर उठाइए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन ऊपर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन, फिर ऊपर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन, फिर ऊपर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डाउन, फिर ऊपर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। इसको लग रख लीजिए, आप पैरों को फिर हिला लीजिए। जो हम रोजाना योग करवाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है क्लास की आप लोगों के लिए, आप भी कर लीजिए इतने, जब वो ही करेंगे जो कंटिन्यू योगा कर रहा है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप बीच में आराम कर लीजिए या छोड़ दीजिए, जो भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे आप छोड़ दीजिए, मैं सभी को यही बताता हूँ। और धीरे धीरे पक जाइए, मजबूत हो जाइए, ठीक। अब नेक्स्ट, अब झुला लीजिए पैर को, रिलैक्स हो जाएगा पूरा पैर, यहाँ से पकड़ के ऐसे और यहाँ से झुला लो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। चेंज कर लीजिए पैर को, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। घुटनों के साथ साथ पूरे पैर की एक्सरसाइज हो गई। अब पैर खोल लीजिए, घुटनों के दर्द में मोटापा घटाने वाले भी करते हैं तो साथ साथ ये भी कर लीजिए। इतना तो कर ही लोगे ना, 50 बार करो, इतना तो करते हैं रोजाना, हाँ करना भी चाहिए। कई कहते हैं ना कि घुटनों के दर्द में मोटापा आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, हमारी क्लास ज्वाइन करो, कैसे आने नहीं देंगे मोटापा, तो करो शुरू। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास। या कि और बढ़ाते, अब 50 तक रखें, 50 और चक्की चला ले, हाँ चक्की चला लो, फिर नाव चला लेते हैं पहले ऐसे, हाँ नाव चला लेते हैं ऐसे, मुट्ठी बंद कर लीजिए ऐसे, एक दो तीन चार पाँच, कमर दर्द वाले नाक रही है, छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस।
अब वापिस ले आओ, नाव उन बीच में चली गई, जेल में फंस गई। अब जेल से वापिस आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। सांस ले लीजिए लंबी गहरी। अभी तो और आटा पीसेगा, अभी तो चक्की भी चलाएंगे, चर्बी भी घटाएंगे। आज नहीं, आज चक्की चलाएंगे, कल की क्लास में फिर रस्सी खींचेंगे, दूध भी लोएंगे। आज की क्लास में नाव चला ली, अब चक्की चलाएंगे। 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करो शुरू। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। अब एंटी क्लॉकवाइज, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और आराम कर लीजिए। आज हमने क्लास की आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर दी। क्लास हमारी क्लास रोजाना चलती है, हम कोशिश करेंगे रोजाना आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करके भेज दें, तो आप भी हमारे साथ कर सकते हैं। और जो अच्छे से योग सीखना चाहते हैं, हमारी क्लास में रोजाना शामिल होना चाहते हैं, जो नए देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं ये क्लास औरों के पास भेजना चाहते हैं, जो नहीं देख रहा मेरा चैनल उसको भी दिखाइए, उसके पास भी ये क्लास भेजिए घुटनों के दर्द की। और घुटनों के दर्द वाले ये जरूर करें, जो आखिरी में करवाए ना मोटापा घटाने वाले, क्योंकि घुटनों के दर्द में मोटापा बढ़ता है, क्योंकि ना तो वो चल सकता ना बेचारा कुछ कर सकता। तो ये आखिरी में हमने जो करवाए हैं मोटापा घटाने के लिए, ये जरूर करें। हम रोजाना करवाते हैं घुटनों के दर्द के व्यायाम और मोटापा घटाने वाले व्यायाम, ठीक है? आप करते रहिए, कल फिर मिलेंगे इसी समय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।